राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पूरी की पूरी कांग्रेस स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। वजह यह कि केजरीवाल गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन पहले अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले की सख्ती से जांच किए जाने की मांग कर अपनी ही पार्टी की लाइन को तोड़ दिया और अब संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की दुखती रग को छेड़ दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की मांग पर लाए गए कानून के अनुसार ही गिरफ्तार किया गया है। अब जांच से पता चलेगा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच असल में हुआ क्या था। इसके साथ ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को इस कानून की गंभीरता का मतलब समझाया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब निर्भया के साथ हैवानियत हुई तब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। उस समय आम आदमी पार्टी ने ऐसे कानून की मांग की जिसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध या हिंसा की घटनाओं में पीड़िता के बयान को सच माना जाए। यही नहीं, बेगुनाही साबित करने का दायित्व आरोपी पर होगा। इस आशय का एक कानून तैयार कर ये लागू किया गया। संदीप दीक्षित ने कि चूंकि अब जब स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है उसके साथ गलत हुआ तो कानून के अनुसार ये मान लिया जाना चाहिए कि वो सच बोल रही है। विभव कुमार को इस कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। ये कानून किसी और द्वारा नहीं, खुद आम आदमी पार्टी द्वारा लाया गया था। संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि हमने पहले ही इस कानून पर चिंता जताई है। यही वजह है कि पुलिस से कुछ दिन छिपकर रह रहे विभव कुमार की गिरफ्तार होते ही केजरीवाल आपे से बाहर हो गए। कुछ सिलेक्टिव और एडिटेड क्लिप जारी करवा कर स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाए, लेकिन अब जबकि पुलिस ने केजरीवाल के आवास से सीसीटीवी फुटेज का डीवीआर बरामद कर लिया है, अगर उसमें से फुटेज डिलीट नहीं होंगे तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही पुलिस के सीएम आवास में पहुंचने की खबर केजरीवाल को लगी, वे प्रदर्शन छोड़ अपने घर लौट गए। विभव कुमार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ और गैर इरादतन हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।